लखनऊ के अलीगंज के हनुमान मंदिर से हिंदू और मुस्लिम दोनों की जुड़ी है आस्था। ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम भी बन गए हनुमान भक्त? हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि भगवान हनुमान संकट मोचक है। विपरीत परिस्थिति में बस जय बजरंगबली बोल दीजिए, सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये तो रही हिंदुओं की आस्था की बात, लेकिन क्या आपको मालूम है कि लखनऊ के अलीगंज के हनुमान मंदिर से मुस्लिमों की भी आस्था जुड़ी हुई है? यहाँ के मुस्लिम भी हनुमान भक्त हैं, है ना अनोखी बात? लेकिन इतिहासकारों की माने तो ये बात पूरी तरह से सही है, पर ऐसा क्यों है और लखनऊ के अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर से ऐसा क्या इतिहास जुड़ा है कि मुस्लिमों में भी इस मंदिर के प्रति आस्था जुड़ी बताई जा रही है? तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में सब कुछ। लखनऊ का पुराना हनुमान मंदिर। लखनऊ के अलीगंज के महावीर मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना है। इस मंदिर को 1783 में बनाया गया था। लखनऊ के हनुमान मंदिर का जिक्र इतिहासकार योगेश प्रवीण की किताब लखनऊनामा में मिलता है। इस किताब में ये लिखा गया है कि अलीगंज के दो हनुमान मंदिर फेमस है। इनमें जो मंदिर प्राचीन है उसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ एक साधु को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे, इसी वजह से इसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। वहीं बड़ा मंगल मनाने की जो परंपरा है प्राचीन मंदिर से ही शुरू हुई थी। बड़ा मंगल मनाने की परंपरा का भी अपना एक अनूठा इतिहास है और यही इतिहास हनुमान मंदिर के प्रति मुस्लिमों की आस्था की वजह से भी जुड़ा है। नवाब सआदत अली खान से जुड़ा है प्राचीन हनुमान मंदिर का इतिहास। इतिहासकार योगेश प्रवीण की लखनऊ नामा के मुताबिक इस मंदिर का इतिहास नवाबों के काल का है, क्योंकि इस मंदिर के इतिहास के बारे में जब भी बातें होती हैं नवाब सआदत अली खान का नाम आता है। दरअसल नवाब सआदत खान की माँ, जिनका नाम आलिया था, जनाब आलिया की जब गोद काफ़ी सालों तक सूनी रह गई थी तब उन्होंने अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर उनकी गोद भर जाती है तो वो जेठ के महीने में भंडारा करवाएंगी। कहते हैं भगवान ने उनकी मन्नत पूरी कर दी। बजरंगबली ने उनकी गोद में नवाब सआदत अली खान को डाल दिया। ये भगवान हनुमान की ही कृपा थी कि नवाब सआदत अली खान का जन्म मंगलवार को ही हुआ था, इसलिए उन्हें बचपन में मंगलू कहते थे। आलिया की मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर के ऊपर न केवल चांद सितारे लगवाए थे बल्कि जेठ के महीने में बड़ा मंगल के दिन भंडारे की शुरुआत भी करवाई। वहीं इस वाक्य के बाद से मुस्लिमों में भी इस मंदिर के प्रति जो आस्था बनी है वो आज भी जारी है। महावीर हनुमान मंदिर का निर्माण। लखनऊ नामा किताब में दो हनुमान मंदिर की चर्चा है। इसमें प्राचीन हनुमान मंदिर में तो नवाब सआदत की माँ आलिया ने चांद सितारे लगवाए थे, लेकिन वो मंदिर काफ़ी पुराना था। साथ ही उस वक्त ये मंदिर रिहायशी इलाके से काफ़ी दूर था, जिसके चलते हनुमान भक्तों का वहाँ जल्दी पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता था। इसी वजह से आलिया ने महावीर हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं नवाब अली शाह प्राचीन हनुमान मंदिर में बड़े मंगल के अवसर पर ब्रह्मभोज करवाते थे। इस मंदिर में आने वाले बंदरों को चने भी खिलाए जाते थे। नवाब वाजिद अली शाह की भगवान हनुमान के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि उनके काल में बंदरों की हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों का तो ये तक कहना है कि वनवास के वक्त जाते समय माता सीता ने यहाँ विश्राम भी किया था। यही सारी वो वजह है जिसके चलते मुस्लिमों का लखनऊ के हनुमान मंदिर के प्रति आस्था बनी हुई है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।